गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा को हम लोग एक्सट्रीमा भी बोलते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा को का दूसरा नाम जो है एक्सट्रीमा है। तो बच्चों, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। आप सभी लोग फिल्म देखते हो, तो फिल्म में क्या होता है कि कुछ क्या कहते हैं मोहल्ले के छोटे मोटे जो क्या कहते हैं गुंडे होते हैं, वो आसपास के लोगों को डराते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको यही चीज़ समझाता हूँ कि सबसे पहले मैक्सिमा क्या है। मैक्सिमा का मतलब है कि उस लोकल जो आपका एरिया है उसमें उसमें कोई छोटा मोटा गुंडा है तो जो उसका वर्चस्व है वो उस वाले एरिया में ज़्यादा है तो वो मैक्सिमा हो गया। कोई उस वाले एरिया में कोई कोई मतलब कमज़ोर आदमी है तो वो मिनिमा हो गया। तो उसको उस सेंस में थोड़ा सा लेकर के समझते हैं हम लोग। मान लीजिए ये आपका एक लोकल एरिया है। अब इस लोकल एरिया में इसको समझने के लिए देखिए, ए फंक्शन एफ एक्स, ये आपका एक पूरा एरिया है, लोकल एरिया है। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू हैव अ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए। एक पॉइंट है ए, यहां पर ये मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ ए इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज इन द सुटेबली स्मॉल नेबरहुड ऑफ अ वेयर x इक्वल टू ए इज एन इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स। इस एफ एक्स के अंदर, ये पूरा पूरा ग्राफ जो है एफ एक्स है, इस ग्राफ के अंदर डोमेन में एक पॉइंट है ए। तो वो कह रहा है कि इस पॉइंट पर जो आपका एफ ए है, उस पॉइंट पर जो हाइट है एफ ए, ये हाइट जो जो उसके आसपास के पॉइंट है, नेबरहुड पॉइंट है, उनमें क्या है ज्यादा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे भाई इस मोहल्ले का जो भी वो भी आपका दादा है वो ये है, ये वाला पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इस वाले पॉइंट पर जो उसके आसपास के पॉइंट्स हैं उनसे हाइट ज्यादा है। तो हम लोग बोलेंगे कि इस ए पॉइंट पर ये मैक्सिमा है। बिल्कुल ऐसे ही अब ये पूरा मोहल्ला है हमारा। अब इस वाले पॉइंट पर आप देखिए, पॉइंट बी को देखिए, पॉइंट बी के आसपास जो आपके नेबरहुड पॉइंट्स हैं वो उनकी हाइट ज्यादा है इस एफ बी पॉइंट से। इस जो आपकी हाइट है एफ बी, जो उसके नेबरहुड पॉइंट्स हैं तो ये वाली हाइट कम है। यहां पर आपका एफ ए ज्यादा है, यहां पर एफ बी कम है। यहां पर एफ ए अपने नेबरहुड पॉइंट से क्या है ज्यादा है, लिखा हुआ है एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए प्लस एच, एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए माइनस एच। और ये जो एच है ये बहुत ही छोटा स्मॉल इंटरवल है, बहुत छोटा स्मॉल इंटरवल है, जीरो या जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब बिल्कुल लगभग जीरो, एच टेंस टू जीरो, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो आपने क्या चीज समझी यहां पर कि अगर इस पॉइंट पर यह मैक्सिमा है तो इसके आसपास की जो हाइट होगी वो इस पॉइंट से कम होगी, और अगर अगर आपको देखना मिनिमा के बारे में, यानी कि ए इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि ए पॉइंट ऐसा है जो कि अपने नेबरहुड पॉइंट से उसकी हाइट क्या है ज्यादा है। अब बी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्यों है? क्योंकि यहां पर जो इसके नेबरहुड पॉइंट हैं, यानी कि एफ बी जो उसकी हाइट है एफ बी लेस देन इक्वल टू एफ बी प्लस एच, यहां पर क्या है एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए प्लस एच। जो ए पॉइंट है अपने नेबरहुड पॉइंट से जो एफ ए है वो बड़ा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एफ बी जो है वो लेस देन इक्वल टू है एफ बी प्लस एच, या ये भी बोल सकते हो एफ बी लेस देन इक्वल टू एफ बी माइनस एच, यानी कि एफ बी जो है कम है, एफ बी अपने नेबरहुड पॉइंट से कम है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा लोकल मिनिमा, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। यानी कि इस मोहल्ले का अगर आप एक आम भाषा में बात करें तो इस मोहल्ले का दादा ये है और इस मोहल्ले का कमजोर आदमी ये है। ये एक बताने का सेंस है, समझाने का। अब देखिए, थोड़ा
थोड़ा सा और समझते हैं इसको। आप लोगों को मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया था। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और स्ट्रिक्टली क्या होता है, स्ट्रिक्टली में ग्राफ हमेशा बढ़ता है, इंक्रीजिंग में क्या होता है ग्राफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और डिक्रीजिंग में क्या होता है एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होता है। तो आप यहां देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ग्राफ आया, फिर उसके बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हुआ, और यहां पर ग्राफ जो है यानी यहां से यहां तक तो इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद यहां पर ये एफ डैश एक्स जीरो यानी एफ डैश इस पॉइंट पर ये आपका क्या है एग्जिस्ट हो रहा है, एफ डैश एग्जिस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है एग्जिस्ट, क्योंकि हम आराम से टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कर दे रहे हैं, कोई भी शार्प एज नहीं आ रही है, इसीलिए इस पॉइंट पर जीरो हो गया यानी एग्जिस्ट हो गया। अब यहां से देखा तो ये एफ डैश एक्स जीरो लेस देन जीरो यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि इस एक्स जीरो पॉइंट जो पॉइंट है आपका वो क्या होगा लोकल मैक्सिमा होगा, क्योंकि यहां इस तरफ आए ये आपका इंक्रीजिंग हुआ फिर आपका डिक्रीजिंग हुआ, तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, ये आपका लोकल मैक्सिमा हो गया। अब थोड़ा नीचे आते हैं, अब यहां देखिए यहां पर ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, ये एक पॉइंट है एक्स जीरो, तो यहां पर भी यही काम हो रहा है, यहां पे यहां से यहां तक क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ग्राफ, तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, यहां पर क्या हुआ एफ डैश एक्स जीरो इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहां पर बहुत आराम से टेंजेंट आ रही है, और यहां पे क्या हो रहा है एफ डैश एक्स जीरो ग्रेटर देन जीरो, ये डिक्रीजिंग हो रहा है ये इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है लोकल मैक्सिमा, यहां पे क्या हो रहा है डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है तो लोकल मिनिमा। अब बच्चों आपके दिमाग में बात आएगी सर ये वाला ग्राफ देखिए आप, अब इस वाले ग्राफ में यहां पर आपका क्या हो रहा है, ये आपका इंक्रीजिंग है और ये आपका डिक्रीजिंग है, लेकिन बच्चों यहां पर क्या आ रहा है शार्प एज आ रहा है, शार्प एज ये देखो शार्प एज आ रहा है, यहां पर शार्प एज नहीं है, इन दोनों ग्राफ में कहीं भी शार्प एज नहीं है, लेकिन यहां पर शार्प एज है। अगर शार्प एज है तो यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पर, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर एफ डैश एक्स जीरो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, बिल्कुल ऐसे ही यहां आ जाइए, यहां पर भी ये डिक्रीजिंग हो रहा है यहां इंक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन यहां पर भी शार्प एज आ रही है, यहां पर भी आपकी शार्प एज आ रही है, और जब शार्प एज आएगी तो उस पॉइंट पर जो है वो आपका क्या होगा एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब ये जो पॉइंट है यहां पर शार्प एज आ रही है, शार्प एज का मतलब है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आ जाइए थोड़ा सा इधर एक चीज और समझ लेते हैं। अब बच्चों कभी कभार क्या होता है, यहां पर तो आपने देखा जितने भी ग्राफ मैंने बताए इनमें चेंज हो रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फिर कन्वर्ट हो गया एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बच्चों देखो, अगर मैं इसका और इसका स्लोप निकालूं तो ये दोनों के दोनों स्लोप जो है लेस देन जीरो है, तो यहां पे क्या हो रहा है कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है। इफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज एट एक्स जीरो देन एफ एक्स हैज नाइदर अ मैक्सिमम नॉर मिनिमम, यानी कि यहां पर कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, दोनों का स्लोप बराबर आ रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो यहां पर भी है यहां पर भी है, यानी कि दोनों के स्लोप बराबर है, यानी कि स्लोप के साइन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहां पर इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। बिल्कुल ऐसे यहां आ जाइए, यहां पर क्या हो रहा है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहां पर भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, साइन में कोई चेंज नहीं हो रहा, लिखा हुआ है साइन ऑफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज एट एक्स जीरो देन एफ एक्स हैज नाइदर अ मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट एक्स इक्वल टू जीरो, इन दोनों में कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इस ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब एक चीज और समझिए, मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि ये तो मैंने अभी आपकी बात बताई कि ये आपका एरिया है, अब मान लो ये बहुत लंबा ग्राफ होता ठीक है, और आपसे मैं पूछता ग्लोबल मैक्सिमा बताओ, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा, अब इसको हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, तो ये अगर यहां तक बात है तो ये तो आपका एरिया हो गया। अब मान लो ये ग्राफ काफी बड़ा है यानी कि इसमें बहुत सारे मोहल्ले आ गए, बहुत सारे एरिया आ गए, अब आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ भाई इस पूरे जितने भी एरियाज हैं इस पूरे में कौन ज्यादा है इसका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या काम करिए, सबसे पहले आप लोग जो है जैसे ये आप निकालते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालिए, एफ डैश एक्स को इक्वल टू जीरो करिए, फिर आप देखिए कि किस पॉइंट पर, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हम लोग इस तरीके से एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ये देखेंगे
उसके बाद हम लोग बच्चों ये देखेंगे कि ये तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। अब अगर ये साइन प्लस से माइनस की तरफ चेंज होता है तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये आपका लोकल मैक्सिमा होगा। और अगर मान लीजिए माइनस से प्लस की तरफ चेंज होता है, ये वाला अगर माइनस से प्लस की तरफ चेंज होता है तो ये पॉइंट क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब ये पॉइंट को क्या क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि अगर ये यहां पर बहुत सारे मोहल्ले आ गए, अब आपको बहुत सारे मोहल्लों में बताना है कि कौन इस पूरे एरियाज का दादा है, तो आप क्या काम करिए, आप पहले आराम से ये पॉइंट्स निकाल लीजिए, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, पॉइंट्स निकाल लीजिए, फिर उसके बाद जो उस पूरे एरिया की बाउंड्री होगी, बाउंड्री का मतलब एक बाउंड्री ये मान लो ए है और एक मान लीजिए इस तरीके से पूरी बाउंड्री, यानी कि जैसे ये ए और बी है, तो हम लोग क्या करेंगे ये सारे पॉइंट्स निकाल लेंगे और उसके बाद जो आपकी बाउंड्री पॉइंट्स हैं, जो भी आपके बाउंड्री पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए 1.5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो बाकी पॉइंट्स निकाल लेंगे, ठीक है, इसके बीच के पॉइंट्स निकाल लेंगे, फिर हम लोग इस वाले पॉइंट पर भी हाइट चेक कर लेंगे और इस वाले पॉइंट पर भी हाइट चेक करेंगे और बाकी जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं उस पर भी हाइट चेक कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि उसमें सबसे ज्यादा हाइट कहां आ रही है, और जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा हाइट आएगी उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कि वो पॉइंट जो है वो आपका ग्लोबल मैक्सिमा है, जिस पॉइंट पर हाइट आपकी कम आएगी वो पॉइंट आपका ग्लोबल मिनिमा है। ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात को, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, ठीक है, थैंक यू।